नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। अब की बार महंगाई भत्ता 38% के पार हो गया है कन्फर्म। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई अपडेट आ चुकी है। आने वाले दिनों में उन्हें बम्पर तोहफा मिलने जा रहा है। बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बड़ा इजाफा हो सकता है। दरअसल मार्च में आए AICPI इंडेक्स से नंबर से ये कन्फर्म हो गया है कि जुलाई अगस्त में महंगाई भत्ता 4% की दर से बढ़ सकता है। हालांकि अभी 3 महीने के नंबर आने बाकी है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में DA में बढ़ोतरी और भी ज़्यादा हो सकती है। कुल मिलाकर महंगाई भत्ता 38% के पार चला जाएगा। दोस्तों, जनवरी और फरवरी 2022 में AICPI इंडेक्स में मामूली गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन मार्च के आंकड़े बड़े उछाल के साथ आए हैं, जिसमें एक बार फिर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का रास्ता साफ कर दिया है। मार्च 2022 में इंडेक्स में 1 पॉइंट का उछाल आया है, जिसमें अगला महंगाई भत्ता 4% तक बढ़ने की संभावना है। हालांकि अप्रैल, मई और जून के नंबर्स आने हैं। अगर इनमें आगे भी उछाल रहता है तो उम्मीद की जाती है कि DA में 4% या उससे ज़्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। दोस्तों, सावंत पे कमीशन के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को 2 बार महंगाई भत्ता दिया जाता है, पहला जनवरी में और दूसरा जुलाई में। मतलब साल की 2/6 माह के लिए महंगाई भत्ते का ऐलान होता है। जनवरी 2022 तक केंद्रीय कर्मचारी को 3% DA का तोहफा मिल चुका है, जिसका कुल DA 34% है। अब महंगाई भत्ता जुलाई के लिए जारी होगा, जिसका ऐलान अगस्त महीने में हो सकता है। AICPI इंडेक्स से महंगाई भत्ते की तुलना में कर्मचारियों के भत्ते का आंकलन किया जाता है। लेबर मिनिस्ट्री इन आंकड़ों को जुटाती है और फिर नंबर्स जारी करती है। जनवरी में इंडेक्स दिसंबर 2021 की तुलना में घटकर 125.1 रहा था। वही फरवरी में 125 अंक पर पहुंच गया था, लेकिन मार्च में बड़ा उछाल आया है और इंडेक्स 1 पॉइंट बढ़कर 126 पर आ गया है। दिसंबर 2021 में AICPI का आंकड़ा 125.4 पर था। दोस्तों, महंगाई भत्ते के आंकड़ों से इशारा मिल रहा है कि अगले महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। अगर इंडेक्स अगले 3 महीने में उछाल देखने को मिलता है तो DA 4% से ज़्यादा भी हो सकता है। AICPI के आंकड़े श्रम और रोजगार मंत्रालय देश के 88 औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण केंद्रों में स्थित 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा कीमतों के आधार पर तय किए जाते हैं। इंडेक्स को 88 केंद्रों और पूरे देश के लिए तैयार किया जाता है। AICPI हर महीने की आखिरी वर्किंग डे को जारी होता है। दोस्तों, महंगाई भत्ता केंद्र और राज्य के सरकारी कर्मचारी को उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग के स्तर को बेहतर बनाने के लिए मिलता है। महंगाई बढ़ने के बाद भी कर्मचारियों के रहन सहन के स्तर पर कोई फर्क ना पड़े, इसलिए यह अनाउंस दिया जाता है। सरकारी कर्मचारी और पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनधारकों के महंगाई राहत दी जाती है। दोस्तों, महंगाई भत्ते को लेकर श्रम मंत्रालय ने कैलकुलेशन का फॉर्मूला भी बदल दिया है। श्रम मंत्रालय ने महंगाई भत्ते के आधार वर्ष 2016 में बदलाव किया है। मजदूरी दर सूचकांक की एक नई सीरीज जारी की है, जिसमें श्रम मंत्रालय ने कहा है कि आधार वर्ष 2016 बराबर 100 के साथ WRI की नई सीरीज 1963-65 के आधार वर्ष की पुरानी सीरीज की जगह लेगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।